एकदम राशि चैट टी वी यूट्यूब चैनल गाइस, बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है मुझे क्योंकि मेरा चैनल जो है राशि चैट टी वी ये अभी ना क्लोज़ करने वाला हूँ। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मेरा एडसेंस डिसेबल हो चुका है। बहुत अफसोस हुआ मैंने पिछले एक मंथ से वीडियो अपलोड नहीं की इस चैनल पर इसी मसले की वजह से। मैं इस मसले पे बहुत सारा मैंने मेहनत की कि यार मैं इस चैनल का जो एडसेंस है वो मैं बैग वापस ले आऊं, इसका अनेबल कर लूं, लेकिन मैं बड़े बड़े यूट्यूबरों से बात कर चुका हूं, इसका मुझे कोई भी नहीं मिला हल कि कोई हल कर सके इसका, ये इस एडसेंस को अनेबल कर सके। कोई माई का पाप पर नहीं कोई कर सका क्योंकि ये एडसेंस इनवैलिड एक्टिविटी की वजह से डिसेबल हुआ है, तो इसका कोई हल नहीं है, परमानेंटली डिसेबल हुआ है। अब लोगों को बता दूं कि आप लोग अपनी वीडियो मत देखें, प्लीज़ मत देखें अपनी वीडियो। जो बंदा देखेगा उसका एडसेंस डिसेबल हो जाएगा, इनवैलिड एक्टिविटी आएगी, CTR हाई होगा एडसेंस से और एडसेंस डिसेबल हो जाएगा, तो आपका चैनल फिनिश, आपकी मेहनत फिनिश। मैंने इतनी मेहनत इस चैनल पर की है। सो गाइज, मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने न्यू चैनल क्रिएट किया है। मैं पिछले एक मंथ से बहुत उदास हूँ, तो मैंने सोचा यार क्या यार दास क्यों रहना है, मेहनत करूं कि न्यू चैनल बनाऊं और लोगों की हेल्प करूं फिर से। तो मैंने न्यू चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है टेक्निकल फैसलाबाद। तो मैं फैसलाबाद से हूं, तो टेक्निकल फैसलाबाद आप लोगों को हेल्प करेगा आप लोगों की। आप लोगों ने उस चैनल पे मेरे आ जाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उस चैनल का लिंक मिल जाएगा गाइस, आप लोगों ने उस पर आ जाना है। तो आप लोगों को मैं फिर से बता रहा हूँ, जो CTR हाई हो जाता है, इनवैलिड एक्टिविटी आती है एडसेंस की, एडसेंस से आप लोगों को मैं बता दूं कि अपनी वीडियो मत देखो, क्योंकि अपनी वीडियो देखने वाले जो होते हैं वो वास्ट टाइम गेन करने के लिए देखते हैं, तो वो मत देखें। वैसे भी YouTube बीटा स्टूडियो ने अपडेट न्यूज़ निकाल दी है जिससे हम एडसेंस अब कनेक्ट नहीं कर पाएंगे अपने YouTube चैनल के साथ जब तक हमारे 1000 घंटा और 4000 वास्ट टाइम कम्प्लीट नहीं हो जाएंगे। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, इसके अलावा हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं होगा एडसेंस कनेक्ट करने का, तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि हम पहले तो एडसेंस कनेक्ट कर लेते थे तो वीडियो कोई बंदा देखता था, वाच करता है, या ट्रैफिक ज़्यादा आने की वजह से इनवैलिड एक्टिविटी आ जाती है। तो मेरी ट्रैफिक एक वीडियो वायरल हुई थी तो इनवैलिड एक्टिविटी आई, तो मेरा चैनल का जो मोनाटाइज है एडसेंस है वो डिसेबल हो चुका है परमानेंटली, उसका मुझे कोई हल नहीं मिला। तो इसलिए मैंने अब चैनल यूट्यूब का न्यू स्टार्ट किया है, तो आप लोगों ने उस चैनल पे आ जाना है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। उस चैनल पे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है, बहुत पहले से की हुई है, लेकिन वो चैनल बंद पड़ा था, लेकिन मैं अभी उससे फिर से चालू कर रहा हूँ माशाल्लाह से। उस पे मेरे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है, 20K सब्सक्राइबर उस पे हो चुके हैं, 20K से भी ज़्यादा हो चुके हैं, तकरीबन 21K तक काम चला जा चुका है, तो वो आप लोगों की ही मेहरबानी है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों ने मेरे उस चैनल पे आ जाना है और उस चैनल पे मैं आप लोगों को टिप्स ट्रिक्स देता रहूँगा। जो उस चैनल पे मैंने जो अभी वीडियो डालनी है वो एडिटिंग के हवाले से डालनी है, तो दूसरी भी हेल्प और टैक्स सभी साथ में होगा, और ज़्यादा मैं एडिटर लोगों को बनाऊंगा EDS के वाले से। जैसा कि आप लोगों को पता है आजकल मिक्सिंग का दौर है, तो मैं EDS के वाले से वीडियो उस पर अपलोड किया करूँगा, प्रोजेक्ट दिया करूँगा, डाटा दिया करूँगा आप लोगों को EDS का। ठीक है दोस्तों, यही थी वीडियो कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि मैंने न्यू चैनल स्टार्ट कर लिया है और ये चैनल मैंने बंद कर दिया है, ये चैनल मैं अब यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि इसका कोई हल नहीं निकला। लेकिन लास्ट जो हल है वो अभी प्रोसीजर जारी है, जैसे ही यूट्यूब ने वो बता दिया तो मैं इस चैनल पर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा अगर मेरा वो हल निकल आया तो। YouTube से अभी बात चल रही है, जैसे ही वो कंप्लीट होगा प्रोसीजर तो मैं इस चैनल पे वीडियो नेक्स्ट अगेन अपलोड करूंगा, लेकिन अब मैं टेक्निकल फैसलाबाद यूज़ कर रहा हूं, तो आप लोगों ने टेक्निकल फैसलाबाद पे आ जाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं टेक्निकल फैसलाबाद।